हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल एजू हब पॉइंट। तो हम आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। अब तक हमने देखा कि कैसे दो मैट्रिक्स को सम करते हैं या फिर उसका मल्टीप्लिकेशन करते हैं। आज हम आते हैं तीन पॉइंट को सॉल्यूशन पर। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, तीन मैट्रिक्स रखी है ए बी सी, हमें फाइंड करना है ए प्लस बी, ए माइनस बी, थ्री ए माइनस सी, ए इंटू बी और बी इंटू ए। तो ए जो मैट्रिक्स है वो है 2 4 3 2, बी मैट्रिक्स है 1 3 -2 5, सी मैट्रिक्स है -2 5 3 4। तीनों ही मैट्रिक्स का जिनका ऑर्डर है 2 क्रॉस 2, 2 रो और 2 कॉलम। तो जो हमारा पहला पार्ट है उसमें फाइंड करना है ए प्लस बी। तो ये हो जाएगा, पहली मैट्रिक्स लिखेंगे ए 2 4 3 2 प्लस बी, बी है अपना 1 3 -2 5, हो जाएगा पहली मैट्रिक्स का ए बन बन अवयव, दूसरी मैट्रिक्स के बी बन बन अवयव से सम होगा। तो होगा 2 प्लस 1, ये हो जाएगा 4 प्लस 3, 3 प्लस ऑफ माइनस 2, तो ये हो जाएगा 3 माइनस 2, 2 प्लस 5, प्लस 2 इंटू
5 10 इसे आगे सॉल्व करेंगे तो 2 ऑफ माइनस 8 ये हो जाएगा माइनस 6 6 प्लस 20 हो जाएगा 26 3 प्लस ऑफ माइनस 4 ये हो जाएगा 3 माइनस 4 इक्वल्स टू माइनस 1 9 प्लस 10 ये हो जाएगा 19 तो ये मैट्रिक्स मिलेगी माइनस 6 26 माइनस 1 और 19 और फिफ्थ पार्ट में फाइंड करना है बी ए पहले हमने फाइंड किया था ए बी अब हमें बी ए फाइंड करना है तो पहले मैट्रिक्स बी लिखेंगे 1 3 माइनस 2 5 इंटू ए मैट्रिक्स 2 4 3 2 इक्वल्स टू 1 2 1 2 2 2 प्लस 3 2 3 9 1 2 4 प्लस 3 2 2 ये जाएगा 6 माइनस 2 2 माइनस 4 और 5 3 15 माइनस 2 4 माइनस 8 प्लस 5 2 ये जाएगा 10 आगे सॉल्व करते हैं तो 2 प्लस 9 हो जाएगा 18 2 प्लस 9 ये हो जाएगा 11 4 प्लस 6 हो जाएगा 10 माइनस 4 प्लस 5 ये हो जाएगा प्लस 13 माइनस 8 प्लस 10 हो जाएगा 2 तो बी ए करने पर हमें मिलेगा 11 10 13 और 2 अब यहाँ से ये भी बता सकते हैं कि ए बी नॉट इक्वल्स टू बी ए मतलब कि दोनों मैट्रिक्स कम्यूटेटिव नहीं है जबकि इन दोनों का ऑर्डर सेम है 2 क्रॉस 2 ऑर्डर है फिर भी ए बी नॉट इक्वल्स टू बी ए